भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दौसा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में बढ़ते अपराध, पेपर लीक और महिला अत्याचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान पेपर लीक की घटनाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है। गरीब परिवार में उसको हम राजस्थान की सरकार यानी जो हमारी सरकार होगी हम 2 लाख रुपए उसके नाम पर बैंक में हम बॉन्ड करेंगे। और जब बच्ची 6 छठी में पहुंचेगी तो उसको 7 लाख 6 हजार रुपए मिलेगा। जब बच्ची 8वीं में पहुंचेगी तो उसको 8 हजार मिलेगा। जब बच्ची 10वीं में पहुंचेगी तो उसको 12 हजार रुपए मिलेगा। और जब बच्ची कॉलेज में पहुंचेगी तो 50 हजार रुपए मिलेगा। और जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए उसके बैंक के खाते में डाल देंगे।